सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल प्राइम टीवी। तो चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, जहां बिहार में ईडी और सीबीआई की छापेमारी लगातार जारी है। इन सबके बीच तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधा है, तो चलिए आपको सुनाते हैं कि इस दौरान तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। अभी खबर चलाएंगे, ये मिला वो मिला, शेर जैसा दहाड़ेंगे, 10 दिन बाद म्याऊं। तो आपने सुना कि किस तरीके से तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी जो सभी सत्ता पक्ष के नेता हैं वो दहाड़ेंगे, खबरें चलेंगी कि छापेमारी के दौरान पैसे मिले, नकदी मिली और कई सामान बरामद हुए, लेकिन जैसे ही 10 दिन बीत जाएगा उसके बाद सभी भीगी बिल्ली की तरह दुबक के बैठ जाएंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। तो आपको बताते चले कि इस वक्त यादव परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं, सीबीआई और ईडी का शिकंजा लगातार कस रहा है, लगातार छापेमारी का दौर जारी है। इसी बीच तेजस्वी यादव ने सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि अभी सरकार जो है वो खबरों में चलाएगी कि छापेमारी के दौरान काला धन मिला, नकदी मिली और कई अन्य प्रॉपर्टी के पेपर्स मिले, लेकिन जैसे ही 10 दिन बीतेंगे फिर वो बिल्ली की तरह एक कोने में दुबक के बैठ जाएंगे और कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको तेजस्वी यादव का बयान सुनाते हैं। अभी खबर चलाएंगे, ये मिला वो मिला, शेर जैसा दहाड़ेंगे, 10 दिन बाद म्याऊं। यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए ये बयान दिया है कि जो सरकार है अभी वो खबरों में काफी कुछ चलवाएगी, लेकिन जो 10 दिन बाद है, जो हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे वो 10 दिन बाद खुद ही शांत हो जाएंगे। खबर संभल से है, जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है और ट्वीट करते हुए पूछा कि बीजेपी में अघोषित इमरजेंसी नहीं तो क्या है। सवाल पूछने पर मंत्री महोदय ने जेल में डलवाया। बता दें कि पूरा मामला चंदौसी कोतवाली के गांव बुद्धनगर खंडवा का है, जहां माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी एक चेक डैम के उद्घाटन में गई थी। जिला महामंत्री शुभम राघव ने इस गांव के तथाकथित पत्रकार संजय राणा के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज कराया था और केस से पहले मंत्री के प्रोग्राम में मंत्री के विकास पर सवाल उठाते और लोगों को उकसाते हुए युवक को देखा गया था, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ था। आगे सुनाते हैं आपको पत्रकार ने क्या कुछ सवाल किए थे मंत्री जी से। जमकर निशाना साधा है और ये पूरा मामला संभल से है, जहां अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए योगी सरकार से सवाल पूछा है। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं। पर निशाना साधते हुए नजर आए, साथ ही ट्वीट करते हुए योगी सरकार से उन्होंने सवाल भी पूछा है। तो अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर जमकर निशाना साधा है और ट्वीट करते हुए सवाल भी पूछा है। तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वही ट्वीट है जो हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। गुलाब देवी से विकास के मुद्दे पर सवाल पूछे तो मंत्री जी भड़क गए। आपने कहा था कि ये खड़कवंशी समाज का गांव है, यानी मेरा अपना गांव है, तो आपने कहा था कि मैं बुद्धनगर खंडवा जो मेरे एरिया में आता है इसे मैं गोद ले रही हूँ, और आपने मंदिर पर खड़े होकर शपथ ली थी कि ये गांव मेरा है और मैं इस गांव की हूँ। आपने जो गांव के बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी कहा था कि जो आप काम है आपका वो आप मुझसे कहें, मैं इसका पूर्ति कराऊंगी, और अगर इस बार मेरी विजय होती है तो मैं इस गांव में दोबारा आऊंगी। इसके बाद भी आप इस गांव में दोबारा नहीं आई थी। बुद्धनगर में एक भी बरात घर नहीं है, नहीं यहाँ पर सरकारी शौचालय की व्यवस्था है,
और आपने कहा था कि मंदिर से लेके इस वाली रोड को पक्का कराऊंगी। आपने यहाँ से लेकर जो खंजा वाला रोड था इसे मैं पक्का कराऊंगी। अभी तक ये रास्ता इतनी कच्ची है, यहाँ बाइक तक पैदल वाले भी लोग परेशान हो जाते हैं। और गांव वालों की विशेष परेशानी ये थी कि आपने ये भी कहा था कि देवी माँ की मंदिर की मैं बाउंड्री कराऊंगी, आपने उसकी अभी तक सुनवाई नहीं करी थी। गांव वालों ने बहुत ही प्रेशर दिया था कि हम जा रहे हैं वहाँ पर, आपके कार्यालय भी गए थे, मगर उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई थी। आप बताइए आप इसके बारे में क्या कहोगे कि किस तरीके से जब गुलाब देवी से सवाल किया गया विकास के मुद्दे पर, तो एक तो पहले वो जवाबों से बचती हुई नजर आई, क्योंकि वहां की जनता बेहद परेशान है, वहां के लोगों को पक्की सड़क नहीं मिल पा रही है, वो विकास के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि लगातार भाजपा की सरकार में ये दावा किया जाता है कि उनकी सरकार में सबका साथ सबका विकास हुआ है। लेकिन जब उससे उलट जमीनी स्तर पर जो पत्रकार है जब वो पहुंचते हैं और जब उनके मंत्री से विकास नहीं होने की वजह पूछी जाती है, तो फिर उनको पकड़ के जेल में डलवा दिया जाता है। अलीगढ़ में सासनी गेट स्थित आगरा रोड पर बी सड़क पर लगी तारों में आग लगने का मामला सामने आया है। बता दें कि आगरा रोड पर बी सड़क पर तारों में आग लग गई थी, वही बड़े हादसे को न्योता देते हुए भी वो नजर आई थी, लेकिन स्थानीय लोगों की सूझबूझ से इस आग को बुझाने का भी काम किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आप अलीगढ़ से देख रहे हैं, जहां बी सड़क पर जब तारों के बीच आग लगी तो लोग वाहनों के ऊपर खड़े होकर उस आग को बुझाते हुए नजर आए, लेकिन आग की जो चिंगारी है वो किस तरीके से गिर रही है, किस तरीके से जो बिजली विभाग की लापरवाही है वो भी हम देख सकते हैं कि आग लगी है, लेकिन वहां बिजली विभाग का कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है, कोई भी कर्मचारी मौजूद नहीं है। ऐसे में जो लोग हैं वो खुद ही आग को काबू करते हुए नजर आए, लोग अपनी जान को जोखिम में डालते हुए उस बिजली की तारों पर पानी फेंकते हुए नजर आए। इन्फ्लुएंजा H3N2 वायरस के केस देश में बढ़ने के साथ ही इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट हो गया है। सभी अस्पतालों को सतर्क रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। हालांकि गोंडा जिले में अभी तक एक भी केस की पुष्टि नहीं हुई है। उसके बाद नए वायरस के हमले को लेकर अस्पताल जो है वो अलर्ट मोड पर एक्टिव है। साथ ही इन वायरस से बचाव, लोगों से भीड़ में ना रहने के लिए, साथ ही अगर वो भीड़ में है तो मास्क लगाने और खांसी जुकाम से पीड़ित लोगों से उचित दूरी बनाए रखने को लेकर अब लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। तो H3N2 वायरस को लेकर सभी जो अस्पताल है वो अलर्ट मोड पर आ चुके हैं। वही गोंडा में अब लोगों को जागरूक करने का भी काम किया जा रहा है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का एक बार फिर से पालन करें। अगर वो भीड़ वाले इलाके में जा रहे हैं तो वहां पर मास्क लगाए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, और जिन लोगों को सर्दी जुकाम या बुखार जैसी समस्या है उनसे उचित दूरी बनाकर रखें। इस समय H3N2 नाम का वायरस आया है जो कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लंग्स तक जा रहा है। तेज फीवर हो रहा है और खांसी, जकड़ा, तेज बुखार, ये सारी चीजें हो रही हैं और 7-8-10 दिन में करीब ये ठीक हो रहा है। हालांकि जानलेवा नहीं है, लेकिन जो डायबिटिक लोग हैं या जिनकी मॉर्बिडिटी ज़्यादा है उन लोगों में घातक है, लेकिन कोविड जैसा नहीं है। इसमें ख़ास बात यह है कि प्रिकॉशन वही है कि आपको भीड़ में जाना अवॉइड करना है, मास्क पहनना है, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखना है, हाथ धो के रहना है। वहीं रायबरेली में जिले की कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। लगातार बेखौफ अपराधी घटना को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गोलहा गांव का है, जहां संदिग्ध परिस्थिति में युवक का शव मिला है, तो वह मृतक के चेहरे पर चोट के निशान भी मिले हैं। स्थानीय लोगों की सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अब आगे की कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। तो रायबरेली में संदिग्ध परिस्थिति में युवक का शव मिला है, जिसके शव को कब्जे में लेते हुए पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अब आगे की जांच पड़ताल में जुट गई है, लेकिन पहले पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का इंतजार भी कर रही है।
हमारे इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। उत्तर प्रदेश और देश की तमाम बड़ी और ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।